कौन दुल्हन? हाँ आज तुम्हारी मायों है तो तुम दुल्हन ही हुई ना। गुल्लू तुम? ओ मेरी शहजादी किससे बातें कर रही है? आजा भाई नीलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। चलो वो तो तैयार हो रहेगी पर मायों में नहीं जाना था। पप्पू ने झूठे मुंह तक नहीं पूछा है मंजले। घर की शादी ब्याह में घर वालों को कौन दावत दे रहे हैं? कितनी बार बताया है वो मेरी पप्पी का लड़का है। वो पप्पी बीमार है ना तो उनके इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए आया था बस। कौन भाई क्या आपकी कौन दुल्हन नानी? संगर तो कर सब बताते हैं। क्या बताते हैं क्यों आए हो तुम लोग ये सब? ये क्या है महफिल? कौन सी महफिल है ये? मैं देखकर आती। अगर ये नहीं कर सकती तो फिर दरवाजा खुला है, खामोशी से यहां से निकल जा। सुन, अगर एक दफा इस घर की दहलीज पार कर ली तो दोबारा जिंदगी भर इस तरफ रुख ना करना। अब फैसला तेरे हाथ में है, बोल। देख कट्टो, अपने बाप की इज्जत रख लिया, मैं जमाई चल मेरी बहन अच्छी नहीं। आज 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 प्यारी कट लो। आज आज चल आज आज मेरी जान। आखिर कट्टो मान ही गई। कट्टो तू अंदर जाके मायों का जोड़ा पहन लेना, वो जो हमने गुलनार खाला के हाथ भिजवाया था। हाँ हाँ वो मैं दे गई थी, अंदर ही होगा, देखो तो सही जाके। हाँ तारा भाभी हम जाके ढूंढते हैं, सही है? चल इसको भी ले। हाँ हाँ तैयार करते हैं ना इसको अच्छा सा। आज मेरी बहन आज कैसा मनहूस लड़का है ये मंजिला, अभी जिंदगी में आया नहीं है कि मेरे बाप का दिल मुझसे बदजन कर दिया। वो अब्बा जो बात बात पर रो पड़ते थे, जो मेरे फैसले को अपना फैसला मानते थे, कैसे सख्त दिल हो गए। उन लोगों के जाने के बाद जो गए हैं तो अब रात का एक बज गया, अब हिदत नहीं आए, पता नहीं कहां फिर रहे होंगे। मगर क्या मैं ये शादी कर लूं? जबरदस्ती का निकाह तो निकाह नहीं होता। दिल दिमाग रूह जिस्म मुझे किसी भी तरह ये लड़का कबूल नहीं, तो फिर इसका और मेरा ताल्लुक हराम होगा। फिर क्या करूं? अब्बा ने कहा था कि एक ही रास्ता है, या शादी करके इज्जत से अपने घर चली जाओ, या नहीं मैं मुनाफिकत करके एक झूठा ताल्लुक नहीं कायम करूं। मैं इज्जत से अपने घर चली जाऊंगी। कब्र भी तो औरत का एक घर ही होती है ना, अपना घर। तो बस मैं अपने घर चली जाती।
पियो, जहर है ना? हाँ पियो, पियो ना। लेकिन बेटा थोड़ा सा बचा के रख लेना, क्योंकि तेरे बाद फिर मैं भी तो पीऊंगा ना। हाँ हाँ वैसे जलील हो रहा हूँ, इस तरह भी जलील हो जाऊंगा, मत पड़ता है। वो वैसे भी तेरी माँ जो है ना अकेली है। आओ चलो साथ ही चलते हैं बेटा। और तू क्यों पी रही है? तो मैं कर दूंगा तेरी शादी करके, तो मेरे को अकेले को पीना चाहिए ना। जालिम तो मैं हूं, मैं पीऊंगा ना तो यहां तड़पे तेरा बाप तो फिर खुश होना कि इसने जुल्म किया है, इसको तड़पने दो, मजा ले लो। ना मेरे को दे, मैं पी दूंगा, मुझे दे बेटा। अब्बा छोड़ो अब्बा, मेरे बेटा से निकल ना करिए सब कुछ। हम तो दोस्त रहे हैं, सारी जिंदगी दोस्त रहे। तेरी माँ के बाद तो हम सहेलियां रहे बेटा। आज आज ये दोनों सहेलियां हम मिलके एक फैसला करते बेटा कि ये शादी करनी है तो बोलते, नहीं करनी नहीं। अब मुझे माफ कर दो, अब मुझे माफ कर दो। छोड़ दे बेटा, शादी कर लूंगी। अब्बा बैठा घोड़े पे, किसी ने जलता सिगरेट घोड़े को लगा दिया, बस उसके बाद जो दौड़ लगी वो बस समझ। अच्छा कट्टो बेटा, ये वक्त आना था मेरा बेटा, अब फिर से जुदाई हो रही मेरा बेटा। आज तेरी माँ बहुत याद आ रही है, लेकिन लेकिन वो जहाँ भी होगी बेटा बहुत खुश होगी। जा मेरा बच्चा, खुश रहे, आबाद रहे बेटा। अल्लाह करे तू वहाँ इतनी खुश हो, तू अपने बाप को भी भूल जा मेरा बेटा। जा मेरा बच्चा। अरे मुझसे क्यों मिल रही है? मैं तो तेरी मैके वाली भी हूँ और ससुराल वाली भी, तेरे साथ ही चल रही हूँ। मैं ना के माँ जी शाजी, ये औरतें बहुत रोती रोती है, मैं इनको बोले जल्दी रुख सकती करा जी। मुस्तकीम भाई जी रुख सकती करे थे जल्दी। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जा मेरा बेटा, खुश रहो सलामत रहो, अल्लाह खुश रखे, खुश रखे बेटा। शाद रहो, आबाद रहो, हंसते बसते रहो। गल थन्नी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत
पत्ता जना ताला मोहब्बत का जना जा ताला मैंने डाइजेस्ट में देखकर ये दुआ थोड़ी मांगी थी कि मेरी शादी हुमायूं सईद से ही हो। तो इसलिए वजीफा पड़ा था ताकि मेरी शादी किसी अमीर किसी खूबसूरत आदमी से या किसी अदाकार से। मुझे मिला क्या? कचोरी बेचने वाला एक जाहिल गवार जिसकी उर्दू तक ठीक नहीं है, सुरमे से भरी आंखों वाला पिद्दी पहलवान सेठ मंजिला। इसका नाम भी खूबसूरत नहीं है, शक्ल तो जाने। कहते कि अल्लाह मेरे कलाम में बड़ी ताकत होती है, शायद मेरी जबान भी वो ताकत नहीं होगी जो बुआ कबूल करे। ठीक है अल्लाह मियां, तू भी अपने बंदों से तभी खुश होता ना जब वो तेरी रजा में शामिल होते। सही है, वो खटकनी ना तो थारा दिल था मारे संग शादी करने को और ना ही मारा दिल था थारे संग शादी करने को। तुमने जबरदस्ती करवा दी पर तुम्हारे को टेंशन हो रही है, बीड़ी पी के आता हूं। बीड़ी पिया हुक्का मुझे क्या, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखते में कोई दिलचस्पी नहीं है, आना भी नहीं वापस। खुद ही घूंघट उठा लिए मैं। ओ मेरा सोना, ओ मेरा पाला, मेरा पप्पू, ओ मेरा बबलू, ओ मेरा सोना, ओ मेरा पाला, ये तो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, नो बच्चा। बच 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 अभी आती है, अभी आती है कच्चो की माँ, अभी आती है, अभी आएगी कच्चो कुटी बेला की है। कट्टो की माँ तो चली गई चंदा मामा के पास और मेरी चंदा मामा चल गई अपने दूल्हा के पास। बाबा अकेला रह गया, अकेला रह गया बाबा। सुना तुमने कट्टो की माँ? कट्टो की रुखसती हो गई, अदाकार से शादी का ख्वाब तो तुमने उसके दिल में डाला होगा। मैंने उसको रुखसत कर दिया एक आम मामूली लड़के के साथ। रुखसती कर दी, उसके ख्वाब चकनाचूर कर दिया। न ढोलक बजी न लूटी डोली, न मायो न मेहंदी डली, कुछ भी तो नहीं हुआ। ऐसे रुखसत कर दिया जैसे न
अपने माँ बाप के बच्चे को रुखसत करते। तू तो खुश नहीं होगी ना? तू खुश नहीं होगी? मगर मैंने अपनी इज्जत बचाने और जमीन होने के लिए उसे रुखसत कर दिया। खेलती थी मेरी कट्टो इन खिलौनों के साथ, ये कपड़े पहनती थी। तू तो चली गई ना, मैं मां बनकर ही पालता रहा उसको। हाँ मेरी मेरी कट्टो सोने से पहले अपनी लौट सकती तुम्हें सुनेगी। मैं सुनूंगा तुझे लोरी, तेरे पापा को भी फिर नींद आ जाएगी। जिंदगी भर तो खुशियों से खेल, बाबा की है ये दुआ। निंदिया निंदिया आकर कट्टो की आंखों में कट्टो नाश्ता तो ले आ बेटा। अरे मेरे यार कट्टो आ गए क्या? नहीं आए मेरा यार, तू नाश्ता लेके आ गया? अबे हाँ यार, मैंने कहा भाई कट्टो तो है नहीं है, तो भाई भाई नाश्ता तो मेरा यार ही बनाएगा, तो मैंने तेरी भाभी से कहा भाई बात सुन, नाश्ता बना के दे दे, आज मैं ये अपने यार के पास बैठ के नाश्ता करूंगा ब्लीच लगा के। तेरा नाश्ता क्या मतलब? तेरा नाश्ता नहीं ला? अबे कितने पराठे रखे हैं यार, तू गिन तो सही कितने खाएगा तू ब्लीच लगा के। अच्छा अच्छा, वो रात को देर तक जागता रहा हूँ ना यार। हाँ? तो बहुत लगी लेकिन कट्टो बहुत याद आ रही थी। हाँ यार मुस्तकीम भाई सही कह रहा है, जब अनारकली रुखसत ना तो मैंने और तेरी भाभी ने भी खाना नहीं खाया था यार। अच्छा यार मुस्तकी, हाँ यार ये बेटी भी कैसे है? सही बोला, बस अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार का एहसान है कि बेटी इज्जत से खैरियत से रुखसत तो हो गई। हाँ यार मुस्तकीम भाई रुखसत तो हो गई, लेकिन फुल तफरी करा के नहीं।